तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं रेडियो ऑफिलर के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड में दिखाया जाता है कि जो क्यार हुआ है वो सभी लोगों के सामने आ चुका था। एंड ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जो रॉयल गार्ड है वो भी सभी लोगों को क्यारू के खिलाफ भड़का रहा था। एंड दूसरी तरफ जो क्यारू के विलेजर्स थे उनके भी अलग अलग रिएक्शन थे, कोई गुस्सा था तो फिर कोई हैरान था। दूसरी तरफ रॉयल गार्ड क्यारू को सरेंडर करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तब उसके जो विलेजर्स है वो उन सभी को मार देंगे। एंड ये सुनने के बाद जो क्या हुआ है वो उन सभी के स्टैट्स चेक करता है एंड उनको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने करंट लेवल में मेरे को मार सकते हो। एंड ये सुनने के बाद तभी कुछ सोल्जर्स एकदम से उस पर हमला करते हैं, पर लेकिन जो क्या हुआ है वो एकदम से उनको टच करता है एंड वो लोग एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यारू की तरफ जितने भी सोल्जर्स आ रहे थे क्यारू उन सभी को एक टच करके मार रहा था। एंड यहाँ पे वो ये बता रहा था कि वो बस अपने बेचारे विलेजर्स को बचाने के लिए आया है। क्यारू बोलता है कि ये जस्टिस है। ये सुनने के बाद रॉयल गार्ड एकदम बोलने लग जाता है कि अगर तुम और ज्यादा क्लोज तब हम सभी विलेजर्स को मार देंगे। पर तभी कुछ गार्ड क्यारू को घेर लेते हैं, पर लेकिन जो क्यारू है वो एक टच में उन सभी को मार देता है। एंड उसके बाद पूछता है कि क्या होगा अगर मैं मूव करूंगा तो। एंड तभी रॉयल गार्ड के ऑर्डर पे कुछ सोल्जर्स कुछ विलेजर्स को मार देते हैं। एंड फिर वो रॉयल गार्ड बताता है कि देखो तुम्हारे एक्शंस के कारण कुछ विलेजर्स मारे गए। एंड ये सुनने के बाद क्यारू बोलने लग जाता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि उनको मैंने नहीं तुम लोगों ने मारा है, तुम लोग बस अपनी जो गलती है वो मेरे पे दोष डाल रहे हो। एंड फिर वो बोलने लग जाता है कि उन लोगों ने अपनी बलिदान दी एंड मैं अब उनका रिवेंज लूंगा। एंड फिर वो वापस से आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखने के बाद रॉयल गार्ड वापस से विलेजर्स को मारने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पे जो विलेजर्स है वो एक एक करके मरने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे जो क्यारू है वो बोलने लग जाता है कि अब मैं उन सभी विलेजर्स का बदला लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी एक सोल्जर इमोशन में बहते हुए एकदम से क्यारू पे हमला कर देता है, पर लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। एंड तभी घबराते हुए जो रॉयल गार्ड है वो एकदम से बैरियर एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। एंड जैसे ही बैरियर एक्टिवेट हो जाता है वो एकदम हंसने लग जाता है, क्योंकि अब जो क्यारू है वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता। पर लेकिन तभी एकदम से जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी लोग काफी अजीब सा फील करने लग जाते हैं एंड वो गिर जाते हैं। एंड ये देखने के बाद जो क्यारू है वही हंसने लग जाता है एंड वो बताता है कि तुमने जो जुअल पहना है उसकी वजह से तुम्हारा जो स्टैमिना और मैजिक है वो एकदम ड्रेन होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बैरियर का मैजिक है उसमें चेंजेस और किसी ने नहीं फ्लेयर और सेतना ने किया था। फिर क्यारू कई सारे जो गार्ड्स है उनको एक एक करके मारने लग जाता है एंड उनका जो खून है वो एकदम बारिश की तरह टपकने लग जाता है एंड वो पूरा का पूरा खून में ही कवर हो जाता है। एंड ये देखने के बाद जो यहाँ पे उसके विलेजर्स थे वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड दूसरी तरफ जो जनता थी वो भी एकदम उल्टी करने लग जाती है एंड काफी ज्यादा घबरा जाती है। रॉयल गार्ड के ऑर्डर पे बचे हुए सोल्जर्स अपना लॉकेट निकाल के फेंकते हैं, तभी वो लोग ये बोलने लग जाते हैं कि क्यारू भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता, जिसका मतलब वो लोग काफी आसानी से उसको मार सकते हैं। पर क्यारू उनको बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रैप नहीं हूँ, तुम लोग हो जो कि यहाँ पे ट्रैप हो रखे हो। तभी रॉयल गार्ड और भी ज्यादा विलेजर्स को मारने की धमकी देता है, जिसपे क्यारू बोलने लग जाता है कि अब मेरे को एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा विलेजर्स को बचाना चाहता हूँ। एंड फिर वो सभी लोगों को बोलने लग जाता है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे विलेजर्स को मारना चाहता है तब एक बार पीछे मुड़ के देखो, मैं सबसे पहले उसी पर्सन को मारूंगा। एंड फिर वो उन सभी को ऐसा वार्निंग दे देता है। एंड ये सुनने के बाद जितने भी सोल्जर्स थे उनमें से कोई हिम्मत नहीं करता पीछे मुड़ने की, वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। पर लेकिन तभी क्यारू नोटिस करता है कि उसके जो विलेजर्स हैं उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। एंड जैसे ही वो उनके स्टैट्स को चेक करता है उसको पता चलता है कि उन सभी को पॉइजन दे रखा है। एंड ये देखने के बाद क्यारू बोलने लग जाता है कि इसका मतलब तुम्हारा शुरुआत से यही प्लान था कि तुम सभी लोगों को मार दोगे, इसका मतलब मेरे को होल्ड बैक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो रॉयल गार्ड है वो भी काफी घबराते हुए बोलने लग जाते कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ जो बाकी की जनता है उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने विलेजर्स को देशद्रोही बोल दिया है। पर लेकिन तभी एकदम से वहां पे काफी बड़ा सा होलोग्राम आता है जो कि और किसी का नहीं फ्लेयर का होता है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। एंड दूसरी तरफ जो क्यारू है वो एकदम हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ पूरी जनता को तो यकीन नहीं होता कि वो लोग प्रिंसेस फ्लेयर को देख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो रॉयल गार्ड है वो उन सभी को ये बोल रहा था कि ये सभी बस धोखा है, इस पर विश्वास मत करना। पर लेकिन दूसरी तरफ जो फ्लेयर है वो उन सभी को बताने लग जाती है कि वो सभी को सच्चाई बताना चाहती है, वो भी उनके किंगडम की। फिर वो सबसे पहले बता दिया कि कैसे किंगडम डेमियंस पे हमला करता है एंड उसके बाद उनको स्लेव्स बना के बेच देता है। यहाँ तक कि ये जो विलेजर्स है ये सभी भी इनोसेंट है एंड इनको बस फंसाया जा रहा है। फिर वो हीरो ऑफ रिकवरी के बारे में बताती है, जिसने कि उसकी मदद की थी पैलेस से निकलने के लिए। एंड वो दोनों अभी एक जर्नी पे निकले हैं पूरे किंगडम को सुधारने के लिए एंड उनके जो काले कारनामे हैं उनको सामने लाने के लिए। जो रॉयल गार्ड है वो उन सभी को विश्वास करने के लिए मना करता है, जो सुनने के बाद जो कई सारी जनता है वो विश्वास नहीं भी करती है। पर लेकिन तभी एकदम से जो फ्लेयर है वो गाना स्टार्ट कर देती है एंड ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड तभी जो फ्लेयर है वो एकदम से अपना मैजिक कास्ट करती है, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा आग का गोला आ जाता है आसमान में। एंड इसको देखने के बाद सभी लोग को यकीन हो जाता है कि ये रियल में फ्लेयर ही है, क्योंकि फ्लेयर के अलावा इस मैजिक का कोई और यूज नहीं कर सकता था। फिर जो फ्लेयर है वो थोड़ा बहुत और एक्टिंग करते हुए बताने लग जाती है कि जो हीरो ऑफ रिकवरी है उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, यहाँ तक कि करंटली वो एक नॉर्मल लड़की जी रही है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश है। पर लेकिन वो अकेले इस किंगडम की डार्कनेस से नहीं लड़ पा रहे हैं एंड इस वजह से उनको उन सभी लोगों की मदद चाहिए। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तब ये जो दुनिया है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
जाएगी, तो फिर प्लीज उठिए एंड ये जो पीस है इसको मेंटेन रखिए। उसकी ऐसी स्पीच सुनने के बाद क्यारू भी बोलने लग जाता है कि तुमने काफी बढ़िया काम किया। एंड दूसरी तरफ जो पूरी जनता है वो सभी लोग सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं एंड एक एक को मारने लग जाते हैं। फिर वहां से सीन कट हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो क्यारू एंड उसकी टीम है वो एक सुनसान सी जगह पे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जो क्यारू है वो बस अपने एक ही विलेजर को बचा पाया है एंड बाकी लोग नहीं बचे। क्यारू और भी ज्यादा लोगों को बचाना चाहता था पर लेकिन जो स्लो पॉइजन था उसने सारी चीजें खराब कर दी एंड शायद से जो क्यारू है उसको पता भी है कि ये स्लो पॉइजन किसने दिया था। एंड तभी वहां पे वो मर्चेंट आ जाता है जिसको कि क्यारू ने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहता था कि वो जो बच्चा है उसका ख्याल वही मर्चेंट रखे। वो मर्चेंट बताने लग जाते कि वो काफी ज्यादा हैरान है कि क्यारू ने उसको बचा लिया जबकि उसने उसको धोखा भी दिया था। फिर क्यारू उसको बताता है कि तुम बस मेरे लिए एक पॉन हो एंड फिर वो उसको कई सारा गोल्ड भी दे देता है उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए। तभी क्यारू बोलने लग जाता है कि जब ये बच्चा होश में आएगा तब ये मेरे से काफी ज्यादा हेट करेगा पर लेकिन इसके जो हेट है इसको दूर मत करना, इसकी हेट की मदद से इसको बड़ा होने देना। अपनों को खोने के गम से जूझने से बेहतर है किसी के बदले की आग में जलना, कम से कम इसकी मदद से वो स्ट्रांग तो बनेगा भले ही भविष्य में आके ये मेरे को मारने की कोशिश क्यों ना करे। मर्चेंट के निकलने के बाद क्यारू बताने लग जाते हैं कि उनको अब नई सिटी में जाना होगा। उसके बाद जो कुरिया है वो उनको इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है कि जो ब्रैनिका है उसकी तरफ एक सोल्जर का बैच जा रहा है जिसकी कमांडर और कोई नहीं नॉन है एंड वो उनको उस डायरेक्शन में जाने के लिए मना करती है पर लेकिन जो क्यारू है वो बताता है कि उनको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुरिया को तो चिंता हो रही थी पर लेकिन क्यारू बताता है कि उसके पास एक प्लान है एंड फिर वो उसको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोलता है एंड फिर उसको किस करते हुए वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। वहां से चलते चलते क्यारू सोच रहा था कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर जो नॉन है वो ब्रैनिका में क्यों जा रही है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको कुछ भी नहीं पता। कभी से इतना ब्रैनिका के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो कैसी जगह है, जिसमें क्यारू बताता है कि वो एक लौती जगह है जहां पे डीमंस और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं, जो सुनकर वो लोग पूछते हैं कि क्या वो डेंजरस नहीं है, जिसमें क्यारू बताता है कि डीमंस इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं उनको बस मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। एंड फिर वो बताने लग जाता है कि जो एनिमल्स है जिनके पास काफी ज्यादा मैजिक पावर है उनको मॉन्स्टर्स कहा जाता है एंड जो लोग इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं उनको डीमंस कहा जाता है। ये सुनकर सेतना बताने लग जाती है कि इस हिसाब से जो ह्यूमंस है वो भी डीमंस हुए जिस हिसाब से वो लोग डेमी ह्यूमंस को कंट्रोल करते हैं एंड ये सुनने के बाद जो क्यारू है वो भी हंसने लग जाता है क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। तभी जो फ्लेयर है वो पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग वहां पे जा ही क्यों रहे हैं क्योंकि वहां पे तो आर्मी है ना, जिसपे क्यारू बताता है कि वो बस किसी से मिलना चाहता है एंड वो और कोई नहीं डीमन किंग है। तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो सभी लोग कितने ज्यादा बेकार है क्योंकि वो लोग फिर से हीरो ऑफ रिकवरी को कैप्चर नहीं कर पाए पर लेकिन अभी उसके पास एक और प्लान है अपनी दीदी को पकड़ने का एंड उसको अपने हाथों से पनिश करने का। तभी हमें नॉन का प्लान पता चलता है जो कि है ब्रैनिका में एक हंटिंग गेम स्टार्ट करने का, भले ही इसके चलते आसपास के जो विलेजेस है उन पे डीमंस के द्वारा अटैक क्यों ना हो जाए एंड उस अटैक की वजह से वो लोग किंगडम के खिलाफ रेबल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको सिक्योरिटी भी तो चाहिए। एंड उसके बाद गुस्से में वो अपने स्लेव को एकदम मारने भी लगती है जिसको कि वो एंजॉय भी कर रहा था एंड उसका कोई रिएक्शन भी ना आ रहा था एक तरीके से। तभी नॉन बताने लग जाती है कि उसको लगा था कि वो हीरो ऑफ रिकवरी को काफी आसानी से पकड़ लेगी पर लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता पर लेकिन उसको पता है कि आखिर वो किस टाइप का ट्रैश है। एंड तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो क्यारू है वो वर्ल्ड कप खेल रहा था एंड वर्ल्ड कप के दौरान क्यारू फ्लेयर से पूछते हैं कि मेरे कमांड में जब तुम लोगों को मारती हो तब तुमको कैसा लगता है, जिसमें फ्लेयर ये बोल देती है कि उसको कोई भी महसूस नहीं होता, वो बस खुश है कि वो क्यारू की पूरी जो विशेष है उसको कंप्लीट कर पा रही है। उसके बाद जो क्यारू है वो सोचने लग जाता है कि कैसे जो प्रिंसेस फ्लेयर है वो पहले सिर्फ खुद को पसंद करती थी पर लेकिन अब वो मेरे को भी पसंद करने लगी है पर लेकिन बाकी ह्यूमंस के प्रति उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही सेम है। उसके बाद क्यारू सोचने लग जाता है कि उसके पास अपनी फेवरेट लड़की सेतना है एंड एक खिलौना फ्लेयर है एंड पता नहीं नेक्स्ट सिटी में उसको और कितना ज्यादा मजा आने वाला है। एंड फिर इसी तरीके से जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।